नमस्कार। तो आज मैं आया हूँ भारतीय होम प्रोडक्ट में। A5HP की मशीन है जिसके बारे में हम अक्षय जी से बिल्कुल तीखे फायर ब्लड वाले सवाल करने वाले हैं। तो आइए अक्षय जी, सर, नमस्कार, स्वागत है नमस्कार। आपका। कैसे हैं आप? बताइए इस मशीन के बारे में। सर देखिए, ये आपके सामने मशीन है 5 HP का, बट आप मुझे बताइए ये मशीन आपको क्यों चाहिए, क्या इस्तेमाल है आपका? सर, हमें मसाले अनाज के लिए एक अच्छी मशीन चाहिए। मैं सभी कस्टमरों के तरफ से सवाल है मेरे, मतलब ये सारे कस्टमरों के सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना जी चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल ये अनाज के लिए, मसाले के लिए परफेक्ट मशीन है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अनाज और जो मसाले के लिए काफी सारी मशीनें आती है, बट ये मशीन एक काफी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो सिंगल फेस है। जी हाँ, ध्यान से सुनना, गांव देहात में हम रहते हैं तो उनको एक मशीन किसमें चाहिए होती है? सिंगल फेस में, जिसके वो घर की लाइट से आसानी से अपना काम कर सके। इसकी क्या गारंटी है कि घर की लाइट से चलेगी, हमें कोई स्पेशल कनेक्शन सर नहीं लेना? इसमें हम बोल रहे हैं ना कि आपको 5 HP का सिंगल फेस मोटर देंगे जो लगातार 4 से 6 घंटे तक आसानी से चलेगा सिंगल फेस। मतलब जब ऐसे कोई कस्टमर यहाँ पे आता है तो आप बिल्कुल सिंगल फेस पे टेस्ट करके इसे ऑन दोगे? करके ठीक दिखाएंगे सर, जब तक है। हम आपको दिखाएं ना तब तक आपको विश्वास करने की कोई जब वो ना करें जल्दी और ना। इसमें कोई, मैंने सुना है काफी ये हीट हो जाता है इसमें, तो जी हीटिंग जी इशू कैसा है इसमें? देखिए सर, जो भी मशीन है अगर कुछ भी ग्राइंड करेगा तो उसमें हीटिंग तो होने वाला है, ठीक है, बट हीटिंग होगा, बट उसको रोकने के लिए हमने इसके चेम्बर को काफी किया हुआ है बड़ा। इसका जो चेम्बर है ना वो हाँ, 5 HP में आपको मिलता है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी, मतलब 14x8 का चेम्बर चेम्बर। देखने कितने का? 14x8 का बड़ा चेम्बर, जिससे हवा ज्यादा आती है और अनाज मसाला कम तापमान में ग्राइंड होता है। में बड़ा है, मतलब ये 14x8 का है। आप देख सकते हैं अपने यहाँ नाप के कि कितना आपको साइज का अंदाजा आइए आइए देखने को सर, मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और इसका डबल चैम्बर बता रहे थे आप, डबल चैम्बर कैसा कैमरामैन है? साहब एक बार अंदर आइए, ये देखिए, ये मेरा हाथ है, मैं इस चेम्बर में अपना हाथ घुसा रहा हूँ, ये देखिए 8 इंच की है गहराई और पूरा 14 इंच की इसकी क्या है चौड़ाई। और इसका प्रोडक्शन की बताएंगे सर? देखिए सर, मैं आपको बात करता हूँ प्रोडक्शन की बिल्कुल साफ साफ, जी क्योंकि मार्केट में यूट्यूब में काफी सारे लोग हैं जो कुछ भी बोलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको 5 HP में 40 से 50 किलो वो मिलेगी प्रोडक्शन, अगर आप इसे सिंगल फेस में खरीदते हैं तो। देखिए, ये वार्तालाप पूरी कस्टमरों के तरफ से है, तो मैं चाहूंगा आप एक सही बताएं, बिल्कुल परफेक्ट कि हाँ जी इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सर, इसमें आपको 35 से 40 किलो अनाज और 40 से 50 किलो बेसन तक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बेसन थोड़ा मतलब सॉफ्ट। इसमें 50 किलो अनाज आप 1 घंटे में पीस सकते हैं आराम से। जी 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 और इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी किस में ये है? देखिए सर, ये पूरा मशीन MS में बना है, अपना लोहा है और काफी हैवी ड्यूटी और हैवी गेज में ये लोहा बना हुआ है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि 5 HP की है, इसकी बिजली कंजप्शन क्या रहेगी? देखिए सर, अगर मैं आपको बताऊं इसकी बिजली की कंजप्शन, तो घंटे में 3 यूनिट तक बिजली का कंजप्शन होगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे लिखा है कॉपर वाइंडिंग है, इस बात की क्या गारंटी देते हो आप? सर हम आपको पूरी पूरी मोटर की 1 साल की वारंटी देते हैं, 1 साल के अंदर कुछ भी हो जाए, मोटर ओवरलोड कर जाए या फूक जाए, 1 साल की पूरी वारंटी है कंपनी की, आपको फ्री में रिपेयर करके देगा। नहीं दोस्तों, ये आपकी तरफ से पूछना मेरा फर्ज है बिल्कुल ही, कि मैं आपको बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड करवा सकूं। तो देखने में मशीन काफी अच्छी लगी है। वैसे इसमें डबल चैम्बर कैसे होता है सर, बताएंगे? देखिए आइए जी, मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर चेम्बर एक नहीं दो है, पहले अनाज अंदर आता है इस छोटे वाले चेम्बर में, बट अगर आप ध्यान देंगे इसके अंदर 2 चेम्बर्स तो हैं, बट इस अंदर वाले चेम्बर के अंदर भी डबल दांत है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, यानी अनाज जब आएगा तो वो बेचारा अंदर से भी टूटेगा और बाहर से भी टूटेगा, फिर एक प्लेट दी हुई है जो उस अनाज को आसानी से बाहर नहीं आने देती, और एंड में उसकी जो यहाँ से है पिसाई होने के बाद वो चेम्बर से नीचे आ जाता है। जैसे हमारे कई कस्टमर पूछते हैं हमसे कि इसमें 1 घंटे में 50 किलो हो जाएगा, तो इसके हॉपर में कितना आएगा? सर एक बारी में हॉपर में आ जाएगा 8 से 10 किलो, यानी आपको पूरे घंटे में सिर्फ 5 बार इस मशीन को भरने की जरूरत है बस। और इसमें ये क्या है? सर ये होता है हमारा रेगुलेटर, ये रेगुलेटर निर्धारित करता है कि हॉपर से चेम्बर में किस मात्रा में माल गिरेगा। मान लीजिए अभी ये बिल्कुल 0 पर, मैंने थोड़ा खोला तो माल गिरा, थोड़ा और खोला तो माल ज्यादा गिरा, मैं अगर पूरा खोल दूंगा तो मोटर हो जाएगी ओवरलोड। ध्यान देना है कि मोटर ओवरलोड ना हो, तो इस रेगुलेटर से आप कंट्रोल करेंगे अलग अलग बीच का। अच्छा, तो मतलब एक कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल दो यहां है, से कर एक कंट्रोलर यहाँ से है सर, एक कंट्रोलर वहां से, तो इसमें आपको डबल प्रोटेक्शन मिलता है। और एक चीज और मैं आपको सर बताना चाहूंगा आपके कस्टमर्स के लिए, आइए, ये जो हीट होता है ना, कोई भी मोटर बड़ा होता है तो हीट होता है, तो उस हीट को हटाने के लिए हमने जाली नुमा सिस्टम दिया हुआ है, जिससे एयर आसानी से पास हो सके और मोटर जल्दी ठंडा हो सके। वैसे इसमें एक चीज अच्छी लगी मुझे, वो काफी अच्छी दोस्तों, के इसमें टायर है, आप अगर अपनी दुकान में लगाते हैं तो सुबह आप बाहर निकालिए और शाम को आप अंदर से कर सकते हो।
तो अगर कोई कस्टमर है जो हमारा बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, ऑल इंडिया कहीं से भी जो आता है, आप उसे डेमो सेशन यहाँ पे देते हैं? आप जब भी कोई कस्टमर आता है तो हमें यहाँ उसको प्रॉपर डेमो कराया जाता है, अलग अलग जालियों पे आइटम को पिसा के पूरा दिखाया जाता है। हमारे लिए आपकी जो तसल्ली है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मशीन है वो तो इतनी अच्छी है ही कि आप उसे अपने आप लेके अपना काम चालू कर ही लेंगे। दोस्तों वैसे और भी मशीन है यहाँ पे, राइस मिल आपको दिख रही होगी, मैं एक एक करके सारी मशीनों की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। आपके जो भी सवाल है आप बस कमेंट में करिए, आपका हर एक कमेंट, हर एक सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके सारे कमेंट, सारे सवाल पूरे कंप्लीट करने का और उनके जवाब देने का, और अक्षय जी से बिल्कुल सही जवाब जान के आपको बताऊंगा बिल्कुल ही। तो नमस्कार, हैप्पी विजयदशमी आप सभी लोगों को।